अमेरिकन की मशहूर रियलिटी टीवी स्टार और मॉडल किम कर्दाशिया पिछले कई दिनों से दर्द, जोड़ों में सूजन, सिरदर्द, कमजोरी जैसी परेशानियों का सामना कर रही थीं, जिसके बाद उनका ब्लड टेस्ट किया गया। इस टेस्ट में चौंकाने वाली बात सामने आई है। खबरों के मुताबिक किम के प्रोग्राम कीपिंग अप विद द कर्दाशियंस में बताया गया है कि उनका रूमेटॉइड आर्थराइटिस और ऑटो इम्यून बीमारी लूपस का टेस्ट पॉजिटिव निकला है। हालांकि एपिसोड में डॉक्टर ने यह भी साफ किया है कि केवल एक टेस्ट से ही ये कंफर्म नहीं किया जा सकता है कि उन्हें वास्तव में यानी कि असलियत में ये दोनों बीमारियां हो चुकी हैं। डॉक्टर ने टेस्ट रिजल्ट कई बार गलत निकलने की बात कहकर दोबारा जांच कराने को कहा। ऑटो इम्यून बीमारी में रोग प्रतिरोधक प्रणाली स्वस्थ कोशिकाओं को निशाना बनाने लगती है। इस खबर के पता चलते समय किम अपनी बहन क्लो कर्दाशिया के साथ थी। इसके बाद उन्होंने ये खबर अपनी बहन काइली जेनर और मां क्रिस जेनर को भी बताई। किम ने इस साल मेट गाला में अपने ड्रेस को लेकर सुर्खियां भी बटोरी थीं।